आदमी पार्टी भी बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर, लाइव देखिए। बात करने जा रहे हैं आपका राम राज्य। आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की राम राज्य को लेके क्या अवधारणा है? वो राम राज्य जिसकी बात प्रभु श्री राम ने कही, जिसको सच करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने दिखाया, वो राम राज्य जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बार बार जिसका जिक्र किया कि हम देश में राम राज्य लाना चाहते हैं जिसमें गैर बराबरी ना हो, जिसमें सबकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, जिसमें कोई छोटा कोई बड़ा हो ऐसी भावना खत्म हो। और अरविंद केजरीवाल जी ने राम राज्य के सपने को सच करने के लिए दिल्ली में अद्भुत काम करके दिखाया है, पूरे देश और दुनिया को उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह पहली रामनवमी है जब अरविंद केजरीवाल जी हम लोगों के साथ नहीं है, वो जेल में है, जेल से अपने संदेश भेजते रहते हैं, दिल्ली की देश के लोगों की चिंता करते रहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में पत्र से और अपने संदेश से वो हम लोगों को सूचित करते रहते हैं। उनके विरुद्ध निराधार बेबुनियाद मामले बनाए गए जिनका न कोई सिर है न कोई पांव है, झूठे बयानों के आधार पर बनाए गए। और इसके पीछे मैं कई बार कह चुका हूं, फिर दोहराना पड़ता है, प्रधानमंत्री जी के मन में जो एक दुर्भावना है केजरीवाल जी को लेके, जो एक बदले की भावना है और जो ये भावना है कि भाई जो केजरीवाल कर रहे हैं वो तो हम नहीं कर सकते, यानी कि शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, बिजली की बात, पानी की बात, लोगों की जिंदगी की दुश्वारियों को कम करने की बात, महिलाओं के लिए फ्री बस की यात्रा की बात, 1000 रुपए की आर्थिक सहायता की बात, ये जो काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं ये तो हम नहीं कर सकते, इसलिए उनको पकड़ के जेल में डालो, ये कारण है, इसके अलावा कोई कारण नहीं। तो आज 10 साल के अंदर वो सफर केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने तय किया कि न सिर्फ दिल्ली में 3 बार सरकार बनी बल्कि पंजाब में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी आम आदमी पार्टी की। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार 9 सालों में और 2 सालों में भगवंत मान जी की सरकार पंजाब में ऐसे काम करके दिखाए जिसका उदाहरण आज दुनिया के देश दे रहे हैं।